ब्रह्मोस 2 पर रूस का खुलासा, भारत का ब्रह्मास्त्र, मिसाइलों का बाप तैयार। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत के पास ब्रह्मोस के रूप में मौजूद है, जिसका तोड़ अभी तक भारत के दुश्मन चीन या पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं, यहां तक कि दुनिया के किसी भी देश के पास ब्रह्मोस का तोड़ नहीं, जिस कारण इसे भारत का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, अब भारत सहित विश्व के अन्य ताकतवर देश हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने की दिशा में बढ़ चले हैं। इसमें पहली कामयाबी रूस को मिली और पिछले साल रूस ने जिरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण कर विश्व का पहला देश बन चुका है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। इसके अलावा अमेरिका लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर रहा है, लेकिन उसको इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन आखिरकार पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका ने चीन और रूस को करारा जवाब देते हुए आधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस 2 के ऊपर आने से पहले ही जो रूस ने इसके ऊपर बड़ा बयान दिया है, उस पर आने से पहले हमें हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर जो रेस चल रही है चाइना, रशिया, इंडिया, अमेरिका के बीच, उसे समझना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको ब्रह्मोस 2 की इम्पोर्टेंस का अंदाजा ज्यादा अच्छे से हो सकता है। दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल अन्य मिसाइलों की तरह ही होती है, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो ध्वनि की स्पीड से भी 5 गुना ज्यादा तेज होती है, यानी कि मैक 5 से ज्यादा, और मैक 5 से कम स्पीड होती है तो उसे सुपरसोनिक कहते हैं। लेकिन सुपरसोनिक 1.2 मैक से ज्यादा होती है, इससे नीचे फिर सबसोनिक और ट्रांसोनिक आती हैं, जिसके फिर कभी बात करेंगे। दोस्तों, हम रूस और अमेरिका की बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं भारत के दुश्मन नंबर 1 चीन की, जहां अमेरिका तेजी से हाइपरसोनिक तकनीक पर काम कर रहा है। इस बीच अमेरिका ने चीन के परमाणु क्षमता से लैस हाइपरसोनिक मिसाइल के अंतरिक्ष से परीक्षण पर गहरी चिंता जताई। अमेरिका ने कहा कि चीन हाइपरसोनिक मोर्चे पर जो कर रहा है उससे हम बहुत चिंतित हैं। लेकिन चीन के इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए ये कहा गया कि वो एक सामान्य श्रेणी का परीक्षण और वो एक विमान भी था, ना कि कोई मिसाइल। लेकिन चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल को किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता। अभी ये क्षमता अमेरिका के पास भी नहीं। अमेरिका अभी जहां हाइपरसोनिक मिसाइल बना ही रहा है, जबकि चीन इसे अंतरिक्ष में तैनात करने की तैयारी भी कर रहा है। चीन ने यह नया मिसाइल परीक्षण पिछले साल 13 अगस्त को किया था। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरे परीक्षण में भी चीन ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का इस्तेमाल किया। इसे चीन ने लॉन्ग मार्च रॉकेट से पिछले साल जुलाई में अंतरिक्ष में भेजा था। इस मिसाइल ने धरती का चक्कर लगाया और फिर तयशुदा स्थान पर ध्वनि की गति से भी 5 गुना ज्यादा रफ्तार से हमला किया। हाइपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, ये दोनों अलग चीजें होती हैं। दोस्तों, इसी वजह से कुछ लोग HSTDV के भारतीय परीक्षण को हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण बताते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये एक ग्लाइड व्हीकल है। HSTDV का मतलब है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। इसको किसी रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है। इसका परीक्षण तो भारत ने 12 जून 2019 में ही कर लिया था। अब दोस्तों बात करते हैं भारत की ब्रह्मोस 2 के बारे में, जिसको लेकर एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। रूस ने इसी बीच एक बड़ा खुलासा ब्रह्मोस 2 को लेकर किया, जिससे चीन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि पहले ही चीन से ज्यादा एडवांस S-400 डिफेंस सिस्टम भारत को देकर रूस ने चीन की मुसीबत बढ़ा दी। भारत का ब्रह्मोस दुनिया में उन चुनिंदा हथियारों में आता है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। ये एक अचूक हथियार है। इसे और भी खतरनाक बनाने के लिए भारत लगातार इस पर काम कर रहा है। ये ब्रह्मोस की ताकत ही है जिस कारण तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स ने इसे खतरनाक हथियारों की श्रेणी में रखा। यूं तो भारत और रूस दोनों ने मिलकर ब्रह्मोस को बनाया है, और हाल ही में जैसा कि हमने आपको बताया कि रूस ने जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण किया था। इस परीक्षण ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल थी। इसको बेहद ज्यादा विध्वंसक बताया गया। अभी तक दोस्तों जहां सबसे ज्यादा तेज मिसाइल ब्रह्मोस थी, लेकिन उसको इसने काउंटर कर लिया। जिरकॉन टैक्टिकल युद्ध का पासा पलटने में माहिर है, क्योंकि ये तुरंत नुकसान पहुंचाती है। लेकिन दोस्तों, अब जितने भी डिफेंस कंपनीज हैं वो ये बोल रही हैं कि भारत की ब्रह्मोस 2 सामने आ रही है, जिस पर दुनिया की निगाहें होंगी, क्योंकि एक्सपर्ट बता रहे हैं कि भारत जो दावे कर रहा है उसको लेकर उससे कहीं ज्यादा घातक ये मिसाइल होगी। ये कुछ वैसी ही होगी जैसे कि जिरकॉन है, और ब्रह्मोस 2 से किसी भी मामले में कमतर ये मिसाइल नहीं होगी। इस तरह के बयान ने तो खलबली मचा दी है। जी हाँ दोस्तों, रूस ने यह बयान दिया कि अगर आप एक बार ब्रह्मोस 2 को देख लोगे, तो इसके फीचर्स जान लोगे, तो आप बाकी मिसाइलों को भूल जाओगे।
दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है, सुपरसोनिक की तरह हाइपरसोनिक में भी भारत इतिहास बदलने वाला है। अपनी खास क्षमताओं की वजह से ब्रह्मोस 2 को याद रखा जाएगा। एक तरफ जहां ब्रह्मोस 2 अपनी सटीकता में माहिर होगी और भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, वहीं अपनी रफ्तार से दुनिया को चौंका देगी। हाइपरसोनिक मिसाइल में सबसे बड़ी बात होती है अपने टारगेट को सीधा सीधा वार करना, जो जब तक हासिल नहीं होगा तब तक हाइपरसोनिक मिसाइल इधर उधर विध्वंस फैलाएगी। लेकिन जो भारत ब्रह्मोस 2 बना रहा है वो अपनी सटीकता के लिए जानी जाएगी, यानी बिल्कुल एक्यूरेट वार करने वाली होगी। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान की रूस के इस खुलासे से हवाइयां उड़ चुकी हैं। यानी कि डायरेक्ट तौर पर रूस ये कह रहा है कि जो जिरकॉन मिसाइल देखी है ये वही मिसाइल होगी, सिर्फ इसका नाम अलग होगा। जिरकॉन से जिस तरह दुनिया कांप रही है, ब्रह्मोस 2 के साथ भी ऐसा ही होगा। दोस्तों रूस हमेशा से कहता आया है कि जो टेक्नोलॉजी हम भारत को देते हैं वो किसी भी देश के साथ साझा नहीं करते, और ये सच भी है। रूस ने चीन को जहां S-400 का ओल्ड वर्जन दिया, वहीं भारत को एडवांस S-400, और वो भी चीन से कम दामों में। जहां भारत के पास सबसे बेहतरीन रूसी S-400 होगा, वहीं रूस की मदद से भारत के पास दुनिया की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 भी होगी, जिसका पहला सफल परीक्षण भारत इस साल की शुरुआत में कर चुका है। चलिए दोस्तों अब हम आपको ब्रह्मोस 2 की ताकत के बारे में बताते हैं। दोस्तों ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा, जो इसकी ताकत को काफी बढ़ा देगा। स्पीड और ग्लाइड करने में बेहतर क्षमता के साथ इसे विकसित किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर होगी। इसकी रेंज को बढ़ाकर 1000 किलोमीटर किया जा सकता है। ये मिसाइल एंटी शिप और जमीन से जमीन पर मार करने वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। इसे फाइटर जेट, युद्धपोत, सबमरीन से भी दागा जा सकता है। चीन और पाकिस्तान जैसे चालबाज पड़ोसियों के लिए ये मिसाइल काफी घातक साबित हो सकती है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि रडार से भी पकड़ में नहीं आएगी। ये आसमान में भी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। हाइपरसोनिक हथियार की खासियत ये होती है कि ये कम ऊंचाई पर भी उड़ान भरने में सक्षम है। अतुल राणे ने यह भी बताया कि ब्रह्मोस 2 को पहली उड़ान परीक्षण से पहले 5-6 साल तक का वक्त लग सकता है। ब्रह्मोस 2 का विकास ज्वाइंट तरीके से DRDO और रूस के NPO मशीनोस्ट्रोनिया की ओर से किया जा रहा है। वेल दोस्तों भारत और रूस की मित्रता के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। वहीं दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो ब्रह्मोस 2 के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारे ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।